रामबान जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन चार लेन की सुरंग का एक हिस्सा बृहस्पतिवार रात को ढह जाने से कई लोग उसमें फंस गए, जिनमें से चार लोगों को बचा लिया गया है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि मलबे में अभी भी 10 मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि खूनी नाले में सुरंग के आगे का एक छोटा हिस्सा जांच के दौरान ढह गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और सेना ने संयुक्त बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि चार लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुरंग के आगे के हिस्से की तरफ खड़े बुलडोजर और ट्रक समेत कई वाहन और मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर रामबन के उपायुक्त, प्रोजेक्ट के निदेशक, DIG और SSP मौजूद हैं। हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रामबन और रामसू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग के गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं DC मुसरत इस्लाम के साथ लगातार संपर्क में हूं। करीब 10 मजदूर मलबे में दबे हैं, बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।